एटमी पाकिस्तान की अनपढ़ कौम, जाली डिग्रियों के हामिल जाली हुक्मरान साबित हुए। उठा दो, गिरा दो, जला दो ये दर्सगाहें। एटमी पाकिस्तान को अनपढ़ कौम की जरूरत है, एक ऐसी कौम जो बिके नहीं तो उजरत पर ली जा सके। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने इस वक्त के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में मिशन स्कूलों की बुनियाद रखी। एक हमारे हुक्मरान थे जिन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस को दस्तगाह बनाएंगे और रही सही दस्तगाहें बारूद से उड़ने लगी। ठीक इनसे 900 बरस कबल अंग्रेज आए और उन्होंने पिशावर में इस वक्त की गवर्नर की अकामतगाह में मिशन हाई स्कूल की बुनियाद रखी। ये वो इमारत है जो कभी अफगान हुक्मरान की इकामतगाह हुआ करती थी और फिर फरंगी राज में यहाँ पर मिशन स्कूल की बुनियाद रखी गई। क्या अंग्रेज पख्तून कौम को शऊर की आज़ादी देना चाहते थे? कतई नहीं, बल्कि जैसे कि कानून साजी, शहरात, हस्पतालों, नहरी निज़ाम, रेलवे का निज़ाम मुतारिफ कराया गया, इसी तरह मिशन स्कूलों की भी बुनियाद रखी गई और यही बरतानिया की पहली और आखिरी गलती साबित हुई। खित्ते के अजीम मुजाहिद हाजी साहब तरंगजई ने 1910 में गदर के मकाम पर पहले कौमी और इस्लामी मदरसे की बुनियाद रखी। एक तरफ तो मौली साहब जो थे, मौली साहिबान, वो लोगों को यही तबलीग करते जा रहे थे कि जी भी जो भी सबक पढ़ेगा अंग्रेजी स्कूल में उसका कोई और रास्ता नहीं बल्कि वो सीधा ही दोजख में जाएगा, ठीक है ना। यानी एक तरफ तो ये उनका प्रोपेगंडा समझें, उनका जो भी स्ट्रेटजी समझें। कुछ लोगों की अपनी भी वो ये थी कि शायद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने से हम अंग्रेज़ हो जाएंगे। तो ये यानी एक तरफ इस्लामी मदरसे जिसमें आपको पता है कि वही पुराने ज़माने दरस निज़ामी और पता नहीं कौन कौन सा वो था, तो उसकी तरफ भी यानी लोग रागिब नहीं थे और इस तरफ भी लोग रागिब नहीं थे। तो हमारे सूबे में, अल्लाह दोनों को जन्नत नसीब करे, यहाँ पे हाजी साहब तुरंगजई साहब जो थे उसने 1910 के आसपास में, 1910 यानी 20वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, उसके दिल में एक बात आई कि क्यों ना मैं आज़ाद मदरसे शुरू कर दूँ। तो उसने चंद आज़ाद मदरसे, जिसमें उनका ख्याल ये था कि ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी होंगे, आज़ादी का जज्बा भी होगा, कुछ इस किस्म का वो भी होगा। तो उसमें हमारे हज़रत बादशाह खान साहब भी, खान अब्दुलगफ़ार खान साहब भी इनके साथ हो लिए। लेकिन हुआ यूँ कि ये चीज़ भी अंग्रेज़ों को मंजूर नहीं थी। लेकिन अमेरिका की तरह शायद फरंगियों को भी मदरसा के नाम से चिढ़ थी। सो एक जानिब खालिस बरतानवी स्कूल और दूसरी जानिब मदारिस। बादशाह खान ने एक तीसरा रास्ता निकाला और 1921 में उस्मान ज़ई चारसद्दा के मकाम पर आज़ाद स्कूल की बुनियाद रखी। उस्मानज़ई का वो मकाम है जहाँ पर के बादशाह खान ने आज़ाद स्कूलों की बुनियाद रखी। एक तरफ जहाँ अंग्रेज़ अंग्रेज़ी स्कूलों के ज़रिए महकूम पैदा करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ दूसरी तरफ मदरसों के ज़रिए जहादी पैदा किए जा रहे थे। ऐसे में इन आज़ाद स्कूलों के ज़रिए एक मुतवाज़न तरीक़ा तालीम मुतारिफ़ करवाने की कोशिश की गई। आज़ाद स्कूल का मतलब ही शऊर की आज़ादी का था। जाहिर है कि एक बार इस कौम को ज़हनी आज़ादी नसीब हो जाती तो फिर खुशहाली और आज़ाद मुस्तकबिल ही इनका मुकद्दर बनता। हम तो खिदमतगार लोग थे, जिस मुल्क में खिदमत जुर्म हो वहाँ खिदमत के लोग पैदा नहीं होते। तालीम नहीं, अंग्रेज भी नहीं चाहता था कि ये पश्तून लोग जो हों इन्हें तालीम आ जाए। अप्रैल 1921 में आज़ाद स्कूलों में तलबा की तादाद 45 थी, दूसरे साल 350 तक जा पहुंची। यकम दिसंबर 1923 को इस स्कूल की कारकर्दगी और मकबूलियत को देखकर इसे जामिया मिलिया दिल्ली से इल्हाक का सर्टिफिकेट मिला। 1924 तक 51 मजीद स्कूल बने जिनमें 3212 तलबा तालीम के हसूल में मगन थे। इन आज़ाद स्कूलों का मकसद क्या था? बादशाह खान यही चाहते थे कि पख्तून अपने कल्चर, अपने और अपने इलाके के मुताबिक तालीम हासिल कर रहे। 10-15 स्कूल बन गए उससे, लेकिन
अंग्रेज ने उनको काम करने को नहीं छोड़ा। वो नहीं चाहते थे कि ये ऐसा पख्तून कौम में ऐसा माशरा वजूद में आए जो तालीम याफ्ता हो। वो सिर्फ फौज के लिए नफरी चाहते थे या चौकीदारी करने के लिए चाहते थे, यही उनका मुद्दा था। बादशाह खान इसके खिलाफ था। बादशाह खान बराबरी के बुनियाद पे अपना हक जतवाना चाहता था। एक तरफ फरंगी राज, एक तरफ आजादी की तहरीक, और इसमें पख्तूनों का किरदार, क्या किरदार था पख्तूनों की शऊर की आगाही का, इस वक्त का तारीखी मंजरनामा क्या था, और इसमें खुदाई खिदमतगार तहरीक और आजाद स्कूल क्या कर रहे थे। बड़े रिनोड किस्म के उस्ताद थे और उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाया। उनके पढ़े हुए लड़के अगर इस आजाद स्कूल इस वक्त किसी ने एमफिल की हो या एमएस की हो, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे ही एक स्कूल के तालिब इल्म से मुलाकात ज़रूरी थी कि फिर क्या हुआ। वो बंद नहीं था, वो तालीम उसमें बदल गया। इसलिए बदल गया कि लोग इस पर ये इतराज़ कर रहे थे कि ये तालीम उसको अलग सिखा रहे हैं, लेकिन हमने 4 क्लास तक उसमें तालीम किया है, सरकारी मदरसा बना दिया गया, अब भी है। वो मुला साहब वो ज़ोर शोर से थे ना, तो इस वजह से वो तालीम को ममनू करार देते थे कि उस मैंने पहले भाई ने बोला था ना सबक मदरसे वही दारा दी से वही वो ज़ोर शोर से वो तारीख चल रहा था। इसलिए सरकारी स्कूलों को वो पॉलिसी था अंग्रेज़ का ना कि पठान लोग जायल बन जाए, लेकिन बादशाह खान के कोशिश से लोगों में तालीम आम हो गया। शायद यही वजह थी कि गोरों को इस स्कूल का वजूद मजीद बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा। बादशाह खान के लिए तालीम पख्तून कौम की जरूरत और मकसद थी। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि इस तहजीब को बचाया जाए। अदम तशद्दुद के दाई ने 21वीं सदी में बिलाखिर खुद को साबित कर दिया कि वो सही रास्ते पर थे। यही इस्लाम और पश्तों की सही तारीफ थी।